अब इसमें क्या 5 नंबर देखते हैं, 5 नंबर क्या LHS लेते हैं, LHS में आपका है क्या A माइनस B इंटरसेक्शन C, तो A सेट में आपका, A सेट देखो आपका 1 2 4 5 यही रहे, और माइनस B इंटरसेक्शन C, दोनों में कॉमन एलिमेंट देख लो, कॉमन एलिमेंट आपका है 5 6 है ना, तो B इंटरसेक्शन C आ जाएगा 5 6। अब देखो यहाँ से इसमें सब्ट्रैक्ट घटाना है ना जी, सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे देखो दोनों में एलिमेंट आपका 5 है सेम, और कुछ तो नहीं बचा, इस सेट में आपका एलिमेंट बच गया 1 2 4, एनएस का वैल्यू हो जाएगा। अब RHS लेते हैं, तो RHS में आपका क्या है, ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी, तो ए माइनस बी करेंगे तो ए और बी में कॉमन एलिमेंट आपका 2 और 5 है, तो जो सेट ए में बचेगा वही ना ए माइनस बी हो जाएगा 1 4, ठीक है, यूनियन ए माइनस सी, तो इन दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट आपका क्या है 4 5 है, तो जो सेट ए में बचेगा वही आपका ए माइनस सी का वैल्यू हो जाएगा 1 2। अब दोनों का यूनियन तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 4, तो दोनों सेम आ गया ना, देयरफॉर ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल हो जाएगा ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी के, ठीक है, हमने प्रूव कर दिया। चलते अब इसके 6 नंबर पे, चलिए।